यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। मेरे महान परमेश्वर पिता, मैं एक बार फिर से तेरे जितने प्रभु जी बेटा और बेटी आज तेरे पास में बैठकर प्रभु विश्वास के साथ आज प्रभु जी शुक्रवार के दिन शाम के बेला में मेरे परमेश्वर पिता आज रात्रि के समय में कितने भूख और प्यास के साथ ओ प्रभु जी समर्पण के साथ मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी अपने जीवन को, अपने प्रभु जी काम धंधा को, अपने परिवार को, अपने प्रभु जी रिश्ते नातेदारों को देखकर नहीं, लेकिन परमेश्वर पिता आत्मिक चिंता करते हुए मेरे परमेश्वर पिता उनके अंदर आत्मिक भूख और प्यास दिया, ओ आत्मिक समर्पण दिया मेरे परमेश्वर पिता। उसी आत्मिक भूख और प्यास जुनून को परमेश्वर पिता, जबकि परमेश्वर पिता ये लोग प्रभु जी ओ परमेश्वर पिता, जबकि परमेश्वर पिता अपने जीवन प्रभु जी हम देखते हैं मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन प्रभु जी आज जितने तेरे बेटा और बेटी प्रभु जी आज के शाम के विलंब प्रभु अपने शरीर की थकान को नहीं देखे हैं, ना प्रभु जी अपने शरीर में जितने भी परेशान है, परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, उसको नहीं देखे मेरे परमेश्वर पिता। ओ तुझे सच्चे जीवित परमेश्वर की ओर अपने मनों को लगाए हुए हैं मेरे परमेश्वर पिता। मैं आज प्रार्थना करता हूँ आज के शाम के बेला में मेरे परमेश्वर पिता की आज से शुक्रवार की शाम की ओ बेला में जितने लोग आज प्रार्थना करेंगे मेरे परमेश्वर पिता, आज सभी जन को तू उत्तर देंगे मेरे परमेश्वर पिता। ओ सबकी प्रार्थना को आप उत्तर देंगे मेरे परमेश्वर पिता। ओ चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो मेरे परमेश्वर पिता। ओ चाहे टूटे दिल वाले हो, ओ चाहे खुले दिल वाले हो, ओ चाहे मेरे परमेश्वर पिता निर्बुद्धि हो, चाहे ज्ञानवान हो, चाहे ताकतवर हो, चाहे बलवान हो मेरे परमेश्वर पिता, ओ तू सबकी प्रार्थना को सुनेगा। ओ अंधों को, लंगड़ों को, सबकी प्रार्थना को सुनेगा। ओ गूंगी भैरा, ओ जितने जैसे भी है मेरे परमेश्वर पिता, ओ प्रभु सबकी प्रार्थना को आज परमेश्वर सुनने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपको इसी वक्त प्रार्थना करना होगा, प्रभु से बातें करना होगा, आपको प्रभु के सम्मुख में अंगीकार करना होगा, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा। मेरे प्रिय मसीह भवन, आज वायदों का पक्का परमेश्वर वो प्रभु जी सचमुच में आपकी जो है सारी प्रार्थना को सुनेगा और आपकी सारी परिस्थिति और स्थिति को बदल कर आपको नया जीवन देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र, 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 ओ पवित्र महान परमेश्वर पिता, हालेलुया। ओ जयकार हो, जयकार हो, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मेरे महान परमेश्वर पिता, सारे सृष्टि के मालिक मेरे प्रभु जी, अगम ज्योति में निवास करने वाला पराक्रमी परमेश्वर पिता, ए राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु जी, इस वक्त में आज प्रार्थना करता हूँ शाम के भेला में, ओ जितने तेरे जन प्रभु जी आज बड़े समर्पण के साथ, विश्वास के साथ, घुटनों के बल आकर मेरे प्रभु जी आज मैं उनको उत्साहित करना चाहूंगा मेरे परमेश्वर पिता, कि वो प्रार्थना करते नहीं बन रहा था, वो प्रार्थना का जीवन उनका नहीं था, लेकिन परमेश्वर पिता आज उद्धार करता परमेश्वर तेरी ज्योति चमकने उनके ऊपर, ओ तेरी प्रभु जी अनुग्रह होने पाए मेरे परमेश्वर पिता, ओ प्रभु जी यीशु के नाम से वो प्रार्थना योद्धा बन जाए यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर पिता। आज तू प्रार्थना करना सिखा दे उनको प्रभु जी, आज तू उनको प्रार्थना करना, ओ प्रार्थना करना सिखा दे मेरे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी वो परमेश्वर पिता कभी किसी भली प्रभु जी वस्तु की घटी कम उनके परिवार में ना होने पाए, ना प्रभु जी उनके ओ प्रभु जी परिवार में, ना उनके प्रभु जी घरों में कोई भी प्रभु जी ओ दुख संकट हानि को मुसीबत परेशानी ना झेलने पाए प्रभु जी, लेकिन परमेश्वर पिता तुझ जीवित परमेश्वर से प्रभु जी आस और विश्वास के साथ प्रभु जी वो प्रार्थना में संगति में आगे बढ़ने पाए मेरे परमेश्वर पिता। हे प्रभु दया कर, हे परमेश्वर पिता तू दया कर, हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु जी, सारे सृष्टि के मालिक, आज की शाम की विलंब प्रभु जी वो जितने प्रभु जी तेरे पास में बैठे हैं, वो प्रभु जी मैं नहीं जानता कौन प्रभु जी प्रार्थना कर रहा है, वो व्यक्ति कैसा है, उसका जीवन क्या है, मैं नहीं जानता मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन प्रभु जी उस परमेश्वर वो प्रभु जी वो मनुष्य को आप जानते हैं मेरे परमेश्वर पिता, उसका संबंध आपके साथ किस प्रकार है मेरे परमेश्वर पिता, सारी चीजों को आप जानते हैं मेरे प्रभु जी। हालेलुया, सारी प्रार्थना आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो ग्रहण योग्य होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। तू दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, ओ राजा, 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 यस, 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 मेरे महान परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया, सर्वशक्तिमान दयालु धर्मी परमेश्वर पिता, आज की प्रार्थना उनके लिए प्रभु जी आशीष का कारण होने पाए, ओ बड़े बदलाव का कारण होने पाए पिता। यस 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 मेरे महान परमेश्वर पिता,
जिंदा खुदावन प्रभु जी, मैं सचमुच में आज प्रार्थना करता हूँ उनके सारे प्रार्थना सुन लिए जाए प्रभु जी, उनके सारे प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, जो प्रार्थना कर रहे हैं, कोई अपने व्यक्तिगत निजी जीवन के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई अपने ऑफिस में जो है काम के जो है उन्नति के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई अपने जॉब के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई अपने अच्छी अपने जो है अपनी अच्छी कमाई के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई अपने अच्छे बिजनेस के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई अपने शरीर की चंगाई के छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहा है, वो चाहे जैसे भी प्रार्थना कर रहा है, मेरे परमेश्वर पिता उनकी टूटी फूटी प्रार्थना को तू सुनना। ओ प्रभु जी, उनकी टूटी फूटी वाणी को तू सुनना मेरे परमेश्वर। आज तू दया कर, दया कर, दया कर, दया कर हे प्रभु, दया कर राजाओं की, राजा प्रभुओं के प्रभु जी, सारे सृष्टि के मालिक, सारे सृष्टि के सृजनहार मेरे महान परमेश्वर पिता, अद्भुत युक्ति करने वाला, ओ पराक्रमी परमेश्वर पिता, योजनाओं को सफल करने वाला मेरे प्रभु जी। आज एक एक जन प्रभु जी ओ छू लेने पाए पिता, आज एक एक जन टच करने पाए प्रभु जी, आज एक एक जन को परमेश्वर पिता जिंदा खुदावन जो भी मांगते हैं, जो भी प्रार्थना करते हैं, आज मैं विश्वास करता हूँ आज उनकी प्रार्थना को आप सुनेंगे मेरे परमेश्वर पिता, और आज आप उनको उत्तर भी देंगे मेरे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, पवित्र 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 अति पवित्र महान महिमा में परमेश्वर पिता, हे प्रभु जी, हे परमेश्वर पिता, मैं प्रभु जी विश्वास करता हूँ तेरे बेटे और बेटियों को भी आप लज्जित नहीं होने देंगे मेरे परमेश्वर पिता, उनको निराश और हताश नहीं होने देंगे मेरे परमेश्वर पिता, उनको परमेश्वर पिता आप कभी गिरने नहीं देंगे मेरे प्रभु जी, उनको आप कभी वो दुख में, समस्या में, कष्ट में, मुसीबत में नहीं पड़े रहने देंगे मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन प्रभु जी उनके सारे समस्याओं को आप निकाल लेंगे मेरे परमेश्वर पिता, उनके सारी मुसीबतों को आप दूर करेंगे मेरे प्रभु जी। हालेलुया, पवित्र पवित्र आत्मा धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु जी, ओ जिंदा खुदावन, आज के शाम के बेला में सारी सृष्टि के मालिक परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ ओ दया करो प्रभु परमेश्वर पिता, ओ सेनाओं की यहोवा, यस 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 यस, पवित्र आत्मा धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज की परमेश्वर पिता मैं प्रभु इस रात्रि की बेला के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, जितने प्रभु आज तेरे पास में बैठे, जितने लोग आज प्रभु तेरे निकट में, तेरे पास में बैठे हुए, तेरी हुजूरी में बैठे मेरे परमेश्वर पिता, ओ सबकी प्रार्थना को तू सुनना, ओ सबकी बातों को तू, ओ परमेश्वर पिता सुनकर उनकी प्रार्थना को उत्तर देना मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया, यस यस यस, अगम ज्योति में निवास करने वाले मेरे प्रभु जी, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, यस यस यस, हर एक समस्या, हर एक मुसीबत, हर एक परेशानी निकल जाओ, निकल जाओ, यस यस, जो मांगते हैं पिता मिलने पाए, और प्रभु जो सोचे हैं वो बनने पाए पिता, और जो कार्य प्रभु जी करते हैं वो कार्य सफल होने पाए, ओ जीवित परमेश्वर पिता दया करो, दया करो, यस 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 यस, ओ महान महिमा में परमेश्वर पिता मेरे प्रभु जी, आज पिता तू उनके संग और साथ रहना, उनके सारी प्रार्थना को सुनना मेरे प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ आज हर एक जन की प्रार्थना को आप उत्तर देंगे मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया, पवित्र आत्मा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यस 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 यस, हालेलुया मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी अभी परमेश्वर पिता, आज जो जो प्रभु जी विषय के लिए आज प्रार्थना कर रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, ओ सबकी प्रार्थना सुन लिए जाए मेरे परमेश्वर पिता, ओ सबकी प्रार्थना सुन लिए जाए मेरे प्रभु जी, ओ सबकी प्रभु जी परेशान, ओ दुख प्रभु जी, दुख और संकट मुसीबत निकल जाने पाए मेरे परमेश्वर पिता, तू दया कर मेरे परमेश्वर पिता, तू अनुग्रह कर, यस 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 यस, हे महान परमेश्वर पिता प्रभु जी, सारी सृष्टि के मालिक मेरे प्रभु जी, हर एक प्रकार के प्रभु जी अंधकार के शक्तियां जाओ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, यस मेरे महान परमेश्वर पिता, हालेलुया, हालेलुया, पवित्र परमेश्वर पिता धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हे प्रभु जी आज छुएंगे मेरे परमेश्वर पिता, आज हर एक जन की परिस्थितियों को बदल देंगे मेरे परमेश्वर पिता, हर एक जन को आज टच करेंगे, उनकी स्थिति और परिस्थिति को आप प्रभु दूर करेंगे, और पिता जो जो प्रार्थना कर रहे हैं, ओ जो जो प्रभु जी मांग रहे हैं पिता, आज तू उनकी प्रार्थना को सुनना, विशेषकर मैं प्रार्थना करता हूँ उस प्रभु जी, ओ छत्तीसगढ़ वाली उस बहन के लिए मेरे परमेश्वर पिता, जो प्रभु जी उनको बच्चे नहीं हो रहे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ बच्चे की आशीष के लिए, वो प्रार्थना करती है रो रो कर पिता, वो घड़घड़ाकर प्रभु आपसे बातें करती है मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन प्रभु जी परमेश्वर पिता आज उस बहन अगर ये प्रार्थना को सुन रहा है, सुन रही है मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के नाम से आज मैं प्रार्थना करता हूँ, अगर मैं उस बहन को छू तो नहीं सकता, लेकिन मेरे परमेश्वर पिता तेरे खुदा का हाथ, खुदा का प्रभु जी वो सामर्थ आपको छूने जा रहा है मेरे बहन, आपको जो है परमेश्वर यहोवा छूने जा रहा है, यस यस यस, ऐसे न जाने कितने लोग आज पांच से जीवन जी रहे हैं, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आज प्रार्थना करता हूँ, अरे ड्रांचपन की गंदी आत्मा निकल जाओ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, और निकलो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, यस 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 यस, कम ऑन गेट रेडी यीशु पापा, आज छू लो पिता, आज एक एक जन को टच करो मेरे प्रभु जी, आज हर एक दरिद्रता, गंदी आत्मा, शैतान की बदरूही गंदी आत्मा वो निकल जाए यीशु के नाम से, निकलो निकलो निकलो, यस 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 यस, पवित्र आत्मा इसी वक्त हम आपको छू नहीं सकते, लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य
आपको छू रहा है। आप जहां भी हो, जिस भी स्थिति में हो, परमेश्वर के सम्मुख में नम्र बन जाओ। इसी वक्त अपने आंखों को बंद करो, हाथों को उठाओ, प्रभु के सम्मुख में घुटनों के बल आ जाओ। प्रभु आज आपसे बात करने वाला है, प्रभु आपकी सारी प्रार्थना को सुनेगा, प्रभु आपके सारी जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया, पवित्र 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 यीशु पापा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यस 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 यस, मेरे प्रभु जी आज छू रहे हैं परमेश्वर पिता, यस उस बहन को छू रहे हैं। अगर कोई बीमारी में है, अगर कोई गरीबी में है, अगर कोई ऐसे अद्भुत दुख और संकट मुसीबत बीमारी से जूझ रहा है, मेरे परमेश्वर आपको छू रहा है, मेरा परमेश्वर आपको टच कर रहा है, मेरा परमेश्वर आपको जो है वो अद्भुत रीति से चंगाई और छुटकारा देने वाला है। इसलिए आज मैं कहता हूँ मेरे प्रिय मसीह भाई, अपने जीवन को, अपने जो है सब सारे जीवन को प्रभु को सौंप दो। प्रभु यीशु मसीह आज आपसे जो है सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा और सारी जो है दुख और मुसीबत आपके जीवन से दूर हट जाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ आपने सारे प्रार्थना को सुना प्रभु, और हर एक जन की प्रार्थना को उत्तर दिया है, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।